हाय एवरीवन, मैं संतोष कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आज जो वो बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं, बहुत धमाकेदार बिजनेस है और बहुत कम पैसे में घर से शुरू किया जा सकता है और बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। साथ ही इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपना बिजनेस प्रोडक्ट तैयार करके लोकल एरिया मार्केट में अपना बिजनेस ग्रो करना है। तो इसमें घर का ही सदस्य अपने साथ लगाएं और उनके साथ मिलके अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इस बिजनेस में पहले ये जानना है कि हमको करना क्या है। आप चिप्स, कुरकुरे और टेढ़े मेढ़े इस तरह का प्रोडक्ट जरूर सुने होंगे, देखे होंगे, बच्चों को खाते देखे होंगे या खाए होंगे। तो ये कैसे बनता है और कैसे इसका बिजनेस किया जा सकता है? आपको इसके लिए रॉ मटेरियल होना चाहिए, मक्का और चावल, दो ही चीज़ से ये प्रोडक्ट तैयार होगा। और इसमें 8 से 10 प्रकार का प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। अब उसमें जैसा आप फ्लेवर देना चाहते हैं, चटपटा तो चटपटा मसाला डालेंगे, हल्का मसाला देंगे, साथ ही अब उसमें जिसकी फ्लेवर आप देना चाहते हैं उस तरह का फ्लेवर ऐड कर देना है और आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। फिर उसको मार्केट में अपने लेबल या अपनी ब्रांडिंग का जरूर ध्यान रखें। कोई भी बिजनेस करने के लिए शुरू में ऐसा ही करना होता है, तब जाके बाद में आपका एक बिजनेस अच्छा खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, अब इसका एक जो बनाने की मशीन है वो आपको 36,000 लगभग का आपको पड़ जाएगा जो ये प्रोडक्ट बनाएगा। और उसमें कुछ नहीं करना है, सीधा चावल डाल देना है। टेढ़े मेढ़े का डाई लगा दिए तो टेढ़े मेढ़े निकलेगा, कुरकुरे का डाई लगा दिए तो कुरकुरे निकलेगा, चिप्स का लगा दिए तो चिप्स टाइप का बन के निकलेगा। तो इस तरह से रॉ मटेरियल मक्का या चावल डालेंगे। मक्के के लिए मक्का डालेंगे, मक्का का प्रोडक्ट बनाने के लिए, और चावल का प्रोडक्ट बनाने के लिए चावल डालेंगे। तो अब इसमें जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत मसाले डालते हैं, हल्का सा तेल स्प्रे करते हैं और उसमें नमक डाल देते हैं और उसको मिक्स करके और अपना जो है ब्रांड का एक पैकेट रखें। या स्टार्टिंग में आपको ब्रांड की भी चक्कर नहीं करना है, एक सीधा सिंपल छोटा सा पेपर रखें, वाइट कागज जो हर बाज़ार में मिल जाता है, उस पर अपना एक ग्रामो उद्योग या जो कोई नाम से आप बनाना चाहते हैं उसमें मोहर मार के उसमें डाल दीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए उसमें, कि ताकि जहाँ जाए जो लोग खाए आपका टेस्ट पसंद आए तो आपको कॉल भी करे कि भैया हमको ऑर्डर कर सके। तो इस तरह से बिजनेस करना है। अब इसमें ये माल गुजरात, ये मशीन गुजरात में मिलेगी, वहाँ का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ से आप कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करके ला सकते हैं। तो भैया ये सब मिला के 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। और अच्छा से ग्रो करने के लिए आपको अपने एरिया में धीरे धीरे उसको प्रमोशन करते रहना है। इस तरह से आप चाहें तो बहुत अच्छा कमाने का अवसर है। छोटा प्रोजेक्ट लगाइए, छोटा प्रोजेक्ट लगाइए और उसमें एक मोटर रहता है जो 2 फेज का होता है और उसमें बहुत कम वोल्टेज में वो चल लेगा। घर में भी अपना एक छोटा सा कमरा है उसमें भी लगा के अपना प्रोडक्ट तैयार करके पैक करके अच्छी तरह से, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, जैसे अगर प्लास्टिक का ही लिए तो उसको सील पूरी तरह से पैक होना चाहिए कि उसमें बाहर का हवा ना जाए, ताकि कोई उसमें ख़राब होने का चांसेस नहीं है ना हो। और इसको 3 महीने तक आराम से आप रख सकते हैं, कोई ख़राब होने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि माल उतना ही बनाएं। आज जैसे हमने पूरा माल बना लिया, कल और परसों में इसको सेल कर दिया, फिर माल बनाएंगे, ऐसा नहीं कि लगातार बनाते रहें। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है अब उसमें ज़्यादा खेल मसाले का है, इसको भी आप ध्यान में रखें कि मसाले जैसा डालेंगे, जैसे आप बाज़ार से चाट मसाला लेके कुछ चटपटा बना दिए, उसमें कुछ लाल मिर्च पाउडर डाल दिए, किसी प्रोडक्ट में आप जीरे का फ्लेवर दे के जीरे का बना लिए,
किसी में धनिया हल्का भून के उसका पाउडर बनाए हैं उसमें छिड़क दिए। तो इस तरह से आपको मसाले का खेल करते चलना है, साथ ही उसमें हल्का नमक भी ऐड करना है और हल्का ऑयल जो एक जार में रख लें जो स्प्रे करता हो उसमें डाल के और हल्का सा स्प्रे करना एकदम नॉर्मल। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा आप तेल मार दिए तभी वो खराब टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा, बस हल्का मारना है। तो इस तरह से चावल और मक्के से एक रोजगार अच्छा खड़ा किया जा सकता है। आप चाहें तो दोस्तों कर सकते हैं, एक बार कोशिश करके देखिए, ये बिजनेस बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और इसको हर चौक गली मोहल्ले में बेचा जा सकता है बखूबी और अपने टेस्ट के हिसाब से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज तक के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।